सच साहस सरोकार। डिप्टी सीएम विजय पाठक कल जाएंगे मथुरा, भाजपा पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिव्यांग विधायक राम नरेश रावत की श्रद्धांजलि दी, अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर, ऑटो ड्राइवर्स सफाई कर्मचारियों के साथ करेंगे बैठक। मूसेवाला केस में शूटर दीपक को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा, मदद करने वाले 2 साथियों को भी किया गिरफ्तार। दिल्ली में भी लगी लंबी वायरस का प्रकोप सामने आया, 173 नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर गाजियाबाद से, जहां 3 की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। बता दें कि बच्चे ने मानव शरीर के सभी हड्डियों के नाम पहचानते हुए याद है। बच्चा कई देशों की राजधानी व संस्कृति से ठीक मंत्रों के आसानी से बोल लेता है। वहीं बच्चे की माँ अब गिनीज बुक में अपने बच्चे का नाम दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है। सीतापुर के शाहजहांपुर में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जिस पर परिजनों ने गांव में ही बैठक करने वाले झोलाछाप डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर परिजनों बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पहले बुखार आया था तो हमारी माता जी लेके गई थी इनको दवाई लेने, तो उसने डॉक्टर दवाई दिया। कौन सा डॉक्टर? धर्मेंद्र। कहाँ है रहता? मास्टर बाग पे रहता है, गांव का हम नाम नहीं जानते। और यहाँ पर कहाँ बैठता है? यहाँ पे ये जो बाबू तेली है उनके दुकान में यहाँ बैठा था। कौन सा गाँव? कहा कि हम दवा लाए ना, बुखार रहा है लौंडे के। क्या नाम है लड़के का? विशाल। उम्र कितनी है? उम्र हो 11 साल। कहाँ से दवा लाते हैं? ये गांव से एक डॉक्टर ले रहा है। क्या नाम है डॉक्टर का? भैया क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र। तो फिर क्या हुआ? तब फिर वो भैया दवा दें, बुखार तो उतर गया, उनके काले काले चखंदा पड़ गए। तो उनके तेरे हम गए ना, कहें यू भैया का हो गया, तो कहें ना कक्का ये हम इसको सही कर देंगे, एक इंजेक्शन लगाए कल। खबर हरदोई से, जहां जन कल्याण समिति ने विश्व आत्महत्या दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी में जन कल्याण समिति अध्यक्ष और नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर अंशुल सूरी ने बताया कि शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति समय समय पर संगोष्ठी और नशा मुक्ति केंद्र आदि का संचालन करती रहती है। मानसिक रोगी के रोगों के लक्षण जानने के पहचानने तथा डॉक्टरों के संपर्क करें। आपको बता दें कि आत्महत्या ना करने के सुझाव भी दिए गए। जो है एक संगोष्ठी का आयोजन सरकार के द्वारा कर गया था, जिसमें हरदोई की जिला चिकित्सालय की टीम व हमारे यहाँ साई नशा मुक्ति की टीम व शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति के जो संस्था के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे आत्महत्या के कारण क्या है, आत्महत्या की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और हम उन कारणों पर जाके बात करना चाहते हैं। अत्यधिक नशा करना, अत्यधिक तनाव ग्रसित रहना, इस तरीके की जो जीवन शैली है उससे निकल के आत्महत्या के लिए लोग दिमाग में उनके इस तरीके के प्रश्न आते हैं। खबर गोंडा से, जहां ग्राम प्रधान पद की पुनः मतगणना का वाद उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष रखा गया। वहीं न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर पुनः मतदान की अनुमति दी है। चुनाव की तिथि 12 सितंबर 2022 नियत की गई है। साथ ही मतगणना उप जिलाधिकारी कर्नैलगंज के न्यायालय पर संपादित की जाएगी। इसी मौके पर उप जिलाधिकारी ने मतगणना कराने के लिए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को निर्देश जारी किए हैं। बुलंदशहर के गांव
सदेपुर में प्रशासन ने शराब माफियों पर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि गांव में अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर डीएम और एसएसपी ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने शराबियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। वहीं दोनों शराबियों पर पहले से ही 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दोनों अपराधी मिलकर शराब का अवैध कारोबार करते थे। जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन में आज दो अभियुक्त जिनके नाम हैं उपेंद्र उर्फ मोंटी पुत्र उदयभान एवं दूसरा अभियुक्त है जो उसका भाई है अरुण उर्फ अन्नू पुत्र उदयभान द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसमें उन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनकी अवैध संपत्ति के बारे में पता किया गया एवं आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के अंतर्गत इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही। गाजियाबाद में लड़कियों के अश्लील वीडियो बना रहे ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो बना उसे घर वालों को देने की धमकी देता था। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अश्लील वीडियो उसके मोबाइल से बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इंदिरापुरम के निर्देशन में कोड़ा पुलिस टीम के द्वारा एक अपराधी जिसका नाम दीपक है वो पकड़ा गया है, जो लड़कियों की फोटो को एडिट करके अश्लील बना करके उसको मोबाइल पे डालता था, सोशल मीडिया पे डालता था और उनसे फिर पैसे की वसूली। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने व्यवस्थाओं को बढ़ाए जाने का कार्य तेज कर दिया है। आपको बता दें कि आने वाले महीनों में जहां भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को देखते हुए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, तो वहीं श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था भी सुधार किया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन का निर्माण का कार्य भी जल्दी पूरा हो जाएगा। इन तैयारियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे GM आशुतोष गंगल ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन निर्माण के कार्य में तेजी से कार्य करने को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आपको जैसा मालूम है अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है और फेज़ वन की बिल्डिंग जिसमें हम खड़े हुए हैं ये लगभग तैयार हैं। कुछ फिनिशिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो भी थोड़े समय में तैयार हो जाएंगे। मैं आशा है कि हम इसे जल्दी ही अगले 2-3 महीनों में इसे यात्रियों के लिए ओपन कर देंगे और बाकी जो कॉनकॉर्ड्स का कार्य है और दूसरे कार्य हैं वो चलते रहेंगे। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कनेक्ट कर देंगे, लेकिन उससे स्टेशन की कमीशनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। खबर औरैया से, जहां एवरा कटरा के युवक जिसका चयन 2021 में वेटरनरी के पद पर हुई थी, बता देंगे 6 माह की ट्रेनिंग के दौरान MBBS की भी तैयारी कर रहा था। वहीं नीट परीक्षा में 618 अंक पाकर जिले का नाम रोशन किया। साथ ही अब जब इसकी सूचना परिवारजनों व क्षेत्र के लोगों को मिली तो ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया गया। मैंने इसमें 618 अंक पाए, 720 एंड 13,343 हमारी रैंक है ऑल इंडिया रैंक। जी, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा 2021 में वेटनरी में सिलेक्शन हुआ था, मेरा MBBS में रह गया था, 578 मेरा स्कोर था और मैं 1517 मार्क्स से रह गया था। इस बार मैंने दिया था नीट 2022, उसमें मेरे 618 मार्क्स ऑफरिंग किया। मैंने वेटनरी किया था जबलपुर MP से पिछली बार, फर्स्ट ईयर में। उसकी क्या ट्रेनिंग वगैरह भी आपने कर रखी है? सर, मैंने सर उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन की थी और वहाँ पे मैंने ज्वाइन करने के साथ साथ में इसकी प्रिपरेशन भी की थी और इस बार मेरा इसमें सिलेक्शन हो। खबर चंदौली से, जहां भाकियों के मंडल प्रवक्ता को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वहीं गिरफ्तारी की सूचना पर किसानों ने SP आवास का घेराव कर दिया। बता दें कि किसानों की चेतावनी की अगर आरोपी CO के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। कागजी कार्रवाई जो है कि बबरी थाने पर हुआ था। आज के 8 तारीख को हम और प्रवक्ता साहब और किसान के साथ वहां गए थे और वहां के दरोगा जी से बात हुई थी कि शनिवार को आप लोग आइए, ये 10 किसान भी आएंगे और भारतीय किसान यूनियन के 2 पदाधिकारी 4 पदाधिकारी वहां आएंगे और इन गरीबों का मामला इसी थाना दिवस पे सॉल्व किया जाएगा। उसी मामले को लेकर हमारे मंडल प्रवक्ता चतुर्वेदी जी
बबरी थाने में गए थे और इन समस्याओं को रखे और रखने के बाद वहां तब तक पता चला कि खुराफात और अपशब्द बोल करके उनको धक्का दे करके थाने में बंद कर दिया गया है और उनका मोबाइल वोबाइल सब जो है कि थाने में रखा गया है। आवाज हमारे मंडल मंडल प्रवक्ता को बबरी थाने में निरुद्ध किया गया है, उसी की शिकायत के लिए हम लोग थाने पर एसपी आवास पर आए हुए हैं। क्या एसपी साहब मिले आपसे? एसपी साहब मैंने पीआरओ से उनकी हमारी शिकायत दी गई है, आश्वासन मिला है कि हम जल्द ही जल्द छोड़ेंगे। संभल में गांव मेदपुर के पास पुलिस ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे महिला और उसके मित्र का हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि हत्या की खुलासा करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। कुछ दिनों पहले ही खून से लथपथ महिला और पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किए थे, जिसके बाद पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि हत्या में शामिल मृतक के रिश्तेदार समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने इसके पास से कार समेत अवैध तमंचा भी बरामद किया। थाना रजपुरा के अंतर्गत 6 तारीख को एक FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें पुलिस को सुबह के टाइम ये जानकारी ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी कि उन्होंने खेत में एक गोली चलने की आवाज़ सुनी है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक पुरुष का शव बरामद हुआ, उससे कुछ दूर पर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर एक महिला का शव भी उसके कुछ समय पश्चात बरामद हुआ। जब उसकी जाँच पड़ताल की गई उसके पश्चात पुलिस की कई टीमें बनाकर इस घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना के तार जनपद संभल के साथ में जनपद बदायूं, जनपद अमरोहा तथा दिल्ली से जुड़े हुए थे। इसको 3 दिन के अंदर वर्कआउट करते हुए थाना रजपुरा और SOG की टीम के द्वारा आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर के कस्बा सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पे कार्पल हॉस्पिटल के सामने एक अधेड़ व्यक्ति की बस दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें कि अनियंत्रित DCM चालक ने एक अधेड़ व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस शव की पहचान कर जल्द ही परिजनों को सौंप देगी। खबर गाजीपुर के धामूपुर से है, जहां परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव में शहादत दिवस के अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने वीर को श्रद्धांजलि दी थी। इस मौके पर सैनिकों और सैन्य अधिकारियों ने वीर अब्दुल हमीद को सलामी दी। वीर पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 10 सितंबर 1965 को उन्होंने जंग में वीरता दिखाई थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उन्होंने अपने कर्म ही को अपना धर्म माना और उन्होंने जो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस है जो कोई इंसान अपने देश के लिए दे सकता है, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर है, हम सबको उनका एग्जांपल लेना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम हैं वह सब क्षेत्रों में गुंजाइश है हर इंसान को उसी कर्मठता से उसी इरादे से अपने देश के लिए काम करने का, यही मैसेज है। खबर अयोध्या से, जहां तपस्वी छावनी की मेहनती को लेकर दो पक्षों के संतों में विवाद चल रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने 3 घंटे की बैठक के बाद तय किया कि त्रयोदश संस्कार का भंडारा तो होगा ही, पर मेहनती का फैसला न्यायालय के आदेश पर ही तय किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के ने न्यायालय में अपना दावा कर रहे हैं तो जीतेगा उसे ही मेहनत का पद प्राप्त होगा। देखिए, ऐसा है कि तपस्वी छावनी के पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या दो फाट में बट चुकी थी, एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था, तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इन्वाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा, जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं, अब उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिलकर के कर लिया जाए।
और इस पर जो है सहमति भी बन गई है। जो विरोधाभास था सबको, सभी संतगण हम लोग बैठे, प्रशासन पुलिस सब बैठे, सभी संतगण पूजनीय संतगण बैठे यहाँ पे, और सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया कि जो भंडारे का कार्यक्रम है वो होगा और 200 संत रहेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से उन लोगों ने एक समरसता के साथ डिसीजन लिया है। और जो ट्रस्ट का जो इशू है और महंती का जो इशू है वो उस दिन डिस्कस कुछ नहीं किया जाएगा, और जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उस संदर्भ में अंतिम होगा। दो पॉइंट्स है। बदायूं में पुलिस ने एक अंतर जनपदी मादक पदार्थ तस्करी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 208 किलोग्राम हीरोइन बरामद की है। वहीं पुलिस ने जांच की तो युवक ने बताया कि वह मादक पदार्थ सप्लाई कोरियर का काम करता था, जिसकी सप्लाई का कार्य रात में ही होता था। पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसके पास से 208 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20,80,000 रुपए के आसपास बताई गई है। और इसके संबंध में इससे पूछताछ में ये तथ्य आया है कि ये बरेली से और अन्य जगहों से ला करके एक अपने ग्राहक बना करके और आसपास के जिलों में इसको बेचते थे। इसकी गहन पूछताछ के लिए क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम लगा करके इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा इसके पूरे नेटवर्क के लिए पुलिस काम करेगी और आगे भी और गिरफ्तारियां बरामदगी की जाएंगी। खबर गाजियाबाद के जहां साहियाबाद से है। पुलिस को कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस को काफी समय से कार चोरों की शिकायत मिल रही थी, वहीं पुलिस ने इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर गाड़ी को काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य गाड़ी का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर उन पर लोन लिया करते थे, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने पुलिस को दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 6 तारीख को हम लोगों ने एक पीसी की थी, जिसमें आप सभी लोग आए थे। वहां पे हम लोगों ने ट्रक चोरों को जेल भेजा था। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने उसी को डेवलप करते हुए उसी गैंग को आज 7 लोग और पकड़े गए हैं, जिसमें क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद का नेतृत्व और साहिबाबाद पुलिस टीम का पूरा सहयोग है। इन लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस सातिर गैंग को वर्कआउट किया है, जिसमें 7 लोग और पकड़े गए। खबर अमेठी से है, जहां यूपी सरकार के निर्देश पर ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने पिछले 1 माह में 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर उन्हें जेल भेजा है। साथ ही उनके पास से बड़ी संख्या में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने नेतृत्व में पूरे जनपद में मादक पदार्थों के विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश शासन का आदेश के अनुसार ये अभियान चल रहे हैं। इसमें अभी तक अमेठी जिले में लगभग 46 मुकदमे दर्ज है। 53 लोगों को भी गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। इन लोगों को कब्जे से लगभग 90 किलोग्राम गांजा, लगभग 2 किलो स्मैक भी बरामद की गई। इन लोग इसमें 2 मुकदमे एक गैंगस्टर भी पंजीकृत कराया गया, जो इसमें ड्रग सेल और ट्रांसपोर्ट में जो भी इन्वॉल्व होते हैं इन लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई भी हो जाएगी और 14-1 में कुर्की भी किया जाएगा। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही। वहीं मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने सघन जांच करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, अवैध मादक पदार्थ व नकदी जब्त की गई है। कुरावली थाना क्षेत्र में आज 5 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। इस ग्रुप में 17 लोग कुल शामिल हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी अन्य प्रदेशों में भी घटना इनके द्वारा किया गया है। अपने यहाँ भी इनके यहाँ विभिन्न जनपदों में जाकर घटना कारित की जाती है। घटना यहाँ पर 25/7 को एक व्यक्ति के साथ इनके द्वारा टप्पेबाजी की घटना की गई, इसमें जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, आज वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से 45,000 रुपये, 3 मोटरसाइकिल, 4 तमंचा, 11 कारतूस आदि सामान इनके पास से बरामद हुए हैं। खबर बदायूं से है, जहां चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए एसओजी की बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों समेत सराफा कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों ने
चोरी की घटनाओं को कबूलते हुए उनके पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने तीनों को अभियुक्तों के सराफा व्यापारी को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया है। गठित हुई थी जिसके परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और एसओजी की टीम लगाई गई थी और इनके द्वारा मैनुअल तरीके की क्रिमिनल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कुछ महत्वपूर्ण टाइप के चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। खबर अलीगढ़ से, जहां पिछले कुछ दिनों पहले एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, तो वहीं परिजनों ने उसके शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की मांग की है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाया था। साथ ही दोषी महिला पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे ACM ने बताया कि पोस्टमार्टम के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे। एक बाबू नाम का आदमी था, उसकी मृत्यु 6 दिन पहले हुई थी। उस समय उसके खिलाफ कोई तहरीर वगैरह नहीं आई थी, उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दफना दिया। बाद में उनके परिवार वालों ने उसके कुछ ऑब्जेक्शन नजरदारी की, DM साहब की परमिशन से उसको कब्र से निकलवा करके फिर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसलिए करवाई है, इसलिए करवाई है, इसके जो इस पर कराए उन्हें पकड़ा जाए, भेज रहे हैं। क्या किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे आप प्रशासन से? जो 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 लोग हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। खबर अलीगढ़ की है, जहां कुआरसी क्षेत्र के मंजूगढ़ी स्थित निजी अस्पताल अस्पताल प्रशासन के कई दिनों से कार चोरों से परेशान थे। वहीं चोर इतने शातिर थे कि वे कैमरे, DVR और हार्ड डिस्क तक निकालकर चोरी करे घटनाओं को अंजाम देते थे। बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब उसके CCTV को छेड़छाड़, उसका DVR निकाल लिया, उसके हार्ड डिस्क निकाल लिया और तेजी से निकल के भाग गया। उसके बाद फिर हमने सुबह में आगे सब जांच पड़ताल की, पूछा लोगों से, तो 10:30 बजे सुबह में एक बंदा आया और नीचे से अच्छा कार की चाबी भी रिसेप्शन से उठा के ले गया। खबर अयोध्या से, जहां सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर प्रसारित होने वाले इंडियन आइडल सीजन के टॉप 15 में अयोध्या के ऋषि की जगह बनाई है। वहीं जज के सामने गाना गाने का पहला प्यार, तीनों जज झूम उठे। बता दें कि युवक के पिता ने बताया कि उसका बचपन से ही गाने में रुचि थी। साथ ही परिवारजनों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि बेटा इंडियन आइडल जीत कर अयोध्या का नाम रोशन करे। गर्व हो रहा है, बेटा ने नाम कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, वो जीत किया, मम्मी प्लीज एक बार भेज दीजिए, वो छुट्टी में आया था देहरादून से, कैसे एक चांस दे दीजिए, फिर दोबारा नहीं कहेंगे। तो हम लोग कहे चलो एक चांस देते हैं। अब एक चांस दिया तो भगवान की इतनी कृपा हो गई कि वो इतने बड़े मंच में पहुंच गया। मेरा बेटा है और 5 साल की उम्र में उनका गाने का रुझान हो गया और उनको एक उन लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े होने के कारण बेटा मेरा जो है सत्संग भजन उसमें भाग लेने लगा। खबर लखीमपुर से, जहां गोला विधानसभा में 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन पर सीएम योगी उनके घर पहुंचे। सीएम योगी ने दिवंगत नेता की समाधि पर फूलों की माला डालकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। दिव्यांग विधायक के छूटे परियोजनाओं को सरकार पूरा करेगी। बता दें कि सीएम योगी ने पूरे कार्यक्रम के बाद काशी गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की, मुलाकात की और सभी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, खासकर बच्चों से भी मुलाकात की उन्होंने और हम लोगों को आश्वस्त किया है कि परिवार का सहयोग मिलता रहेगा और जो उनके अधूरे काम है कॉरिडोर मुख्य जो है वो वहाँ पर स्टेडियम वाला जो है उनके जितने भी काम हैं उनके पूरे होंगे उन्होंने आश्वस्त किया।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।